हट बेटा हट जाओ ना पीछे खड़े आओ एक दो तीन भूपेंद्र भाई सीन को पानी में जाते हुए भूपेंद्र भाई सीन को हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो आज हम आए हैं पासो के पास गांव सिरोही। यहां हमने पहले एक बार भी कोशिश की थी दोस्तों, यहां पर एक मगरमच्छ निकला था लेकिन वो हमारे हाथों से छूट गया था। लेकिन अब की बार गांव वालों ने ही हिम्मत करके उसको बांध लिया है और कहीं उसको बंद कर रखा है। तो चलिए उसको भी देखते हैं और बता रहे हैं अंकल जी यहाँ पर हमारे अच्छा और भी वहाँ पर ये प्रधान जी है इस गांव के और बता रहे हैं यहाँ पर और भी हैं। तो लेकिन ये पोखर में पानी बहुत ज्यादा, काफी बड़ी पोखर है, इसके अंदर ही उनका बसेरा बन चुका है। और अगर कैसे भी करके इसको पानी को खलवाया जा सके तो शायद ये खतरनाक जीव यहाँ से पकड़ कर कहीं दूसरी जगह छुड़वाए जा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल जो पकड़ रखा है उसी को चल के देखते हैं। आइए मेरे से दूर खड़ी बढ़िया है, सीट पकड़ो, मेरे को काम करो चना है काम होगा पता बाबा हटावे पलटा मार रहा पैरों को, कमर पे पैरों को मर गया कि हट बेटा हट जाओ ना पीछे खड़े आओ ने बंद कर।
चलो बैठो। तो दोस्तों आ चुके हैं उस जगह पर जहां इस जीप को आज़ाद करना है, और साथ ही साथ एक सांप भी हमारे पास, रेड स्नेक, और उसको भी यहीं पर रिलीज करते हैं। रास्ते में कॉल आ गई थी तो उसको लिया था, और हमारे साथ हैं यहां पर, आइए मिलवाते हैं आपको। नाम अपना? मेरा नाम है वीपी सिंह। राजकुमार नाम है, सत्येंद्र कुमार। तो ये भाई साहब है और ये सब फॉरेस्ट ऑफिसर है, और यहाँ पर इस जीप को देखिए कितनी सुंदर जगह पर वहाँ से लेकर के आए हैं इसको। इसमें हजारों मगरमच्छ रहते हैं इसके अंदर, और ना जाने कितने सारे मगरमच्छों को इसी नहर के अंदर जो है आज़ाद किया है। और जब सर्दियों के दिनों में जब धूप निकलती है तो दोस्तों इसकी पटरी पर बहुत सारे मगरमच्छ जगह जगह आपके लिए देखने को मिल जाते हैं, आराम करते हुए, धूप लेते हुए। तो चलिए देरी किए बिना इस जीप को निकालते हैं, क्योंकि बंदे बंदे उसको भी परेशानी हो रही होगी। तो साथियों इसे हम रिलीज कर रहे हैं। इसको यहीं रखना सब। ना वो तो पानी की खुशबू सूंघ ले तो अपने आप ही जो है। सुरा के उसके गुस्से मारा पूरा इस टाइम। दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे भी दूं, क्योंकि ये एक मगरमच्छ है, हर किसी को इसके बारे में शायद ज्यादातर नहीं पता है। ये बताओ कि इसके शुरू में तीनों में नाखून पाए जाते हैं, बाकी ये भी जानकारी दो। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके मुंह से। मगरमच्छ की जो भी ताकत है और सबसे खास बात है वो है इसका मुंह और इसका जबड़ा, और जबड़े के साथ ही दोस्तों इसकी वाइट का ऐसा आकलन किया गया है कि अगर इसके मुंह में लोहे की बॉल भी फेंक दी जाए तो ये उस पर भी अपने दांतों के निशान को छोड़ सकता है। तो बहुत ही मजबूत इसके दांत होते हैं, बहुत ही जबड़े की बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाइट होती है। और इसकी जो ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये इसकी नाक है। ये एक ऐसा जीव है दोस्तों, ये पानी के अंदर भी कई घंटों तक जिंदा रह सकता है और पानी के बाहर भी कई घंटों तक जिंदा रह सकता है। तो और इसके साथ ही देखिए यहाँ इसकी आँखें होती हैं, आप देख सकते हो कैमरामैन इसकी आंखों का सीन दर्शकों को साफ साफ दिखना चाहिए। ये इस वक्त अपनी आंख खोले हुए है, और यहाँ से शुरुआत होती है इसकी ऊपरली। ये जो चमड़ी होती है काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी हार्ड होती है, उसके अपेक्षा नीचे वाली जो इसकी खाल होती है काफ़ी ज़्यादा नर्म और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, काफ़ी मुलायम होती है। इसके बाद ही इसकी शुरुआत आती है पंजों पर। इसके ये पाँच पंजे होते हैं, पांच फिंगर होती हैं ये, और पांचों फिंगर की जगह जो है इसके तीन फिंगरों में नाखून होते हैं जो कि काफ़ी मजबूत और काफ़ी हार्ड होते हैं। ये पीछे वाले फिंगरों में इसमें दोस्तों चार फिंगर होते हैं, तो फिंगर चार है। हाँ चार फिंगर होते हैं जिसमें से तीन में ही नाखून होते हैं और एक फिंगर जो है फ्री होता है बिना नाखून के। हाँ और इसकी पूंछ आप देख सकते हो, पूंछ पर ये काफ़ी मजबूत, ये इसके ये भी फिंगर टाइप की होती है जो कि किसी भी चीज़ को फाड़ने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होती है। देखिए हाँ ये अपनी पूंछ से भी शिकार करता है, अगर किसी भी चीज़ को इसको गिराना है या तोड़ना है तो ये अपनी पूंछ का वार करता है दोस्तों। अपनी पूंछ से भी ये इंसान को एक ही झटके में गिरा सकता है और काफ़ी गंभीर चोट दे सकता है। इसकी पूंछ लगने पर हमें इतना गंभीर, और ये देखिए इसके ये जो है ये ब्लेड के टाइप होते हैं, देखिएगा इस पर अगर हाथ फेराते हैं तो ये किसी ब्लेड से कम नहीं है, इतना हैवी इस पे वो है कि इस पर अगर मैं हाथ फेरने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये हाथ पर भी निशान छोड़ रहा है एक ब्लेड की तरह। तो काफी पैना ये होता है इसका पूंछ, जिससे ये काफी। और एक और खास बात बताऊंगा दोस्तों, ये पानी के अंदर रहते हैं लेकिन पानी के आसपास ही भाट बनाकर रहना पसंद करते हैं। जब अगर ये फीमेल है
तो ये भाट में अंडे देती है जहाँ मिट्टी के अंदर गुफा खोदकर वो उसमें रहना पसंद करते हैं। तो चलिए इसके बारे में जो भी हमें जानकारी थी वो आपको देने की कोशिश की है। अब इसको जल्दी से आज़ाद करते हैं, कई घंटे इसको बंधे हुए हो गए क्योंकि काफ़ी दूर से इसको लेके आना पड़ा है। हालांकि हमने रुक करके कहीं पानी भी नहीं पिया है इस जीप की परेशानी को देखते हुए। चलिए अब इसको और धीरे धीरे एक इधर आइए और रुको थोड़ा और पीछे बोलो उसको पीछे छोटू कट कर दे अभी थोड़ी छोटू तुम पीछे खड़े हो दोबारा चलो लेकर तुम पीछे खड़े हो जाओ जरा ऊपर हां ऊपर हो जाओ खड़े ऊपर हल्ले हल्ले सावधानी बहुत जरूरी क्योंकि काम करते वक्त कोई भी अगर बात होता है तो वो फिर बहुत बेकार की बात है। पहले समझाना देना जरूरी है। पकड़ लेंगे कस के ऊपर कोई अरे ये कैमरामैन कहाँ है हमारे ठीक है एक दो तीन चलो सिंगल जबड़ा होता है इसका। मैं भी कहना था ठीक है मैं थोड़े वो कर रहा हूँ सावधान रहिए ना ठीक है इधर छोड़ो उधर मारेगा पानी में से अब जाने लगा लो भूपेंद्र भाई सिंह को पानी में जाते हुए ये धूप से कहा पटक दिखा भूपेंद्र भाई सिंह को माफ करना परेशानी के लिए जा सकते हो अब तुम आराम से वापस आ रहे हो हाँ कोई बात नहीं झूम लो झूम को मत गया गया वाह नहीं गुस्ताप हमारे पास ही दिखाएगा ना झूम जाने के मन में नहीं है जाने के मन में नहीं है बदलो लेवे के चक्कर में ये वहाँ परेशान कर लो ठीक है गाँव वाले ज्यादा हाँ चला चला भाई तो थका लो वरना ये खुल गई तुरंत जाको मस्त चाल में बहुत नाक में दम कर ले कल जमा पे भी जो है परसों न्यूज में पड़ी होगी बाबा जी ने अजगर रस्सी से बांध के डाल दो कई घंटों तक ये कोई दिक्कत नहीं है जब खुलवाता है रुकने पे तो दोस्तों कर दिया उसको आजाद और काफी गुस्से में था लगता है उन गांव वालों ने इसको काफी ज्यादा परेशान किया है तो काफी ज्यादा थका लिया है इसको तो इसकी वजह से ये काफी देर में गया है काफी सारा रेस्ट करने के बाद में तब गया है काफी ज्यादा गुस्से में भी था। तो ऐसे अगर आपके लिए जानकारी नहीं है तो इस तरह से खतरनाक जीवों को पकड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आपके लिए 2400 घंटे के लिए वन विभाग की टीमें और अन्य रेस्क्यूअर लोग तैयार हैं तो आपके कॉल करने की देर है सभी लोग जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं जल्दबाजी करके अपनी जान को खतरे में ना डालें। तो चलिए दोस्तों जो भी उन्होंने किया वो सब ठीक था लेकिन जैसे भी किया लेकिन एक तरीके से गलत किया वो नहीं करना चाहिए रेस्क्यूअर टीम का इंतजार करना चाहिए। चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और अगर आपको वीडियो और हमारा काम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बाय।